शरद पवार और पीएम मोदी आगामी 1 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच साझा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। दोनों नेताओं की संभावित मुलाकात के पहले ही विपक्षी दलों को मिलकर बनाए गए इंडिया संगठन दलों ने इस पर अपना एतराज जताया। वहीं कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ये पुरस्कार एक निजी संस्थान की ओर से दिया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पुरस्कार लेने से प्रधानमंत्री के पद का मान कम होगा। साथ ही पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो अपने भी तो स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया बनाया था, क्यों दूसरे देशों में जाकर इंडिया के विषय में बोलते हैं? मोदी इंडिया संगठन से डरते हैं। एक खासगी संस्थेचा तो पुरस्कार कार्यक्रम है, तसं तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी जाऊन स्वीकारला तर त्याचा काही वाद नाही, पण प्रधानमंत्री मोदींनी, कारण की आत्तापर्यंत तुम्ही देशातल्या सगळ्या आतापर्यंत प्रधानमंत्री जे झाले त्याचा इतिहास आपण तपासला तर या पद्धतीचं खाजगी संस्थेमध्ये जाऊन कुठल्याही देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी पुरस्कार स्वीकृत केलेला नाही। आता नरेंद्र मोदी म्हणून जात असतील तर त्याला आम्हाला काही विरोध करायचा नाही, पण प्रधानमंत्री या पद्धतीचा खाजगी संस्थेमध्ये पुरस्कार या पद्धतीचा घेण्याचा ही पहिली वेळ राहील। ती खऱ्या अर्थानं प्रधानमंत्री या खुर्चीचा एक प्रकारचा अवमान करण्याची नरेंद्र मोदींच्या माध्यमातून व्यवस्था होईल आणि एक नवीन पांडा या देशामध्ये बनेल। त्याचं प्रधानमंत्री या पदाची गरिमा कशी ठेवायची ती नरेंद्र मोदीजींनी ठरवावं। आमच्या सहयोगी पक्षाच्या बाबतची भूमिका आम्ही मांडलेली आहे की त्यांच्या पक्षाची पॉलिसी त्यांनी काय करायची त्यांनी ठरवायचं आहे। आम्हाला भारतीय जनता पार्टीच्या या अत्याचारी तानाशाह लोकशाही विरोधी संविधान विरोधी व्यवस्था जी भाजपनी सत्तेच्या आधारावर निर्माण केली त्या व्यवस्थेच्या विरोधात काँग्रेस लढते आहे, आणि जे कोणी आमच्याबरोबर या व्यवस्थेच्या विरोधात लढायला येत असतील त्यांना आम्ही सोबत घेऊन जायचं ही भूमिका आमची आहे। त्यांच्या पक्षाने काय निर्णय घ्यायचे तो त्यांचा निर्णय। नाना पटोले ने एनसीपी के नेता शरद पवार पर बोलने से बचते हुए कहा कि वो शरद पवार का अधिकार है कि उन्हें जाना होगा तो जाएंगे, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। एनबीसी न्यूज के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।